my YouTube channel. In today's video, we will talk about the angle sum property of a triangle. So let's see the property of triangle. So this is our triangle ABC. So the first theorem states that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. तो जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं और उनके एंगल्स के बारे में बात करते हैं तो हर एक एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री का. तो ये प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड है. दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल गिव यू व्हाट 180 डिग्रीज. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम ये स्टेट करती है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो वो क्या होता है, उन सबका सम मिलके कितना बनाता है 180 डिग्रीज का. सो दिस इज अ फर्स्ट थ्योरम. नाउ द सेकंड थ्योरम इज, दिस इज द सेकंड थ्योरम. इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अब इसकी हम कोई भी एक साइड को क्या कर रहे हैं, आगे फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे कि ये है, ठीक है, ये बी सी को है, हमने इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया, ये फर्दर एक्सटेंड किया. देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, अब यहाँ पर जो भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, ये जो बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है, सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो ये इसका, ये वाले एंगल का, वो ये एंगल किसके इक्वल होगा, वो वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा जो इस एंगल के अपोजिट में है और इनसाइड द ट्रायंगल है. मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसकी हमने ये वाली साइड को एक्सटेंड किया, यहाँ पर हमें एक एंगल मिला, तो इस एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल. दैट इज इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी. मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा. ये एंगल अगर वाई है तो एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो हमें एंगल वाई मिल जाएगा. सो ये सेकेंड थ्योरम है कि कोई भी साइड को आप प्रोड्यूस करोगे तो उस एक्सटेंडेड साइड से जो भी एंगल बनेगा उसका सम किसके इक्वल होगा, टू इज इक्वल टू द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, उस एंगल के जो भी अपोजिट में एंगल्स रहेंगे उसके सम के इक्वल होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम. अब इन थ्योरम के बेस पे हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरम. इन फिगर इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये एक फिगर है, गिवन है. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये वाले ट्राइंगल में क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर. दैट मीन्स क्यू टी जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, कौन से साइड के साथ, पी आर के साथ. तो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल होगा 90 डिग्रीज. नाउ एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज एंड एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. तो ये दो एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, क्यू और आर. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्स एंड वाई. तो ये एक्स और ये वाई एंगल हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये क्यू टी आर. ठीक है, हम इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं जिसमें ये गिवन है कि ये 40 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है. सो वी हैव टू फाइंड एक्स. सो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, तो सम ऑफ all the sum of all the angles of a triangle is equals to 180 degrees. So angle TQR plus angle QTR plus angle X is equals to 180 degrees. जब इन सारे सम एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 degrees. So TQR है 40 degrees, this is 40 degrees, क्यू टी आर है 90 डिग्रीज एंड हमें एंगल एक्स फाइंड करना है 180 डिग्रीज. सो ये हो जाएगा 130, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130. सो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 डिग्रीज. तो
तो यहाँ से क्या हो गई, x की वैल्यू निकल गई 50 डिग्री। ये भी हमने क्या किया, थ्योरम से फाइंड किया। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज। अब क्या बचा हमारे पास में, एंगल y। तो अब एंगल y को फाइंड करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, एंगल y के लिए लेट अस कंसिडर दिस साइड, क्योंकि इस साइड में हमारे पास, अगर हम ये बड़ा वाला एंगल कंसिडर करते हैं PSR, PSR कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में दो एंगल्स अवेलेबल हैं, दैट इज ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये x जो अभी हमने फाइंड किया वो 50 डिग्रीज है। और y कहाँ फॉर्म हो रहा है, इस साइड पे यहाँ पर y फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास है ट्रायंगल SPR। तो अब ये सपोज करो कि हमारे पास ये ट्रायंगल था, हमने क्या कर दिया, SR साइड को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अब जब इस साइड को एक्सटेंड किया तो अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एंगल Y। तो इस एंगल Y का सम किसके इक्वल होगा, Y विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो y के अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, दैट इज 30 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज, ये हो गए उसके अपोजिट में दो। तो ये कौन कौन से एंगल थे, एंगल SPR, इसको पहले लिख देते हैं, एंगल SPR प्लस एंगल x, ये किससे था, हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उससे ये कंक्लूजन निकलेगा। तो एस पी आर है 30 डिग्रीज और x की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी थी, 50 डिग्रीज। सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 80 डिग्रीज। तो ये हमने निकाल लिया। तो बस हमने क्या किया है, इसमें दोनों थ्योरम्स का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड की है। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। And please subscribe my channel for more videos. Thank you.